Hello kids, good morning, how are you? I hope you all are good. So today we will learn a new exciting craft tour. और ये आप बहुत enjoy करोगे और parents से request है कि ये बच्चों से करवाएं और उनको help कीजिएगा तो वो लोग मजे से लेके ये craft करेंगे. तो उसके लिए जो चीज़ों का ज़रूरत है, आपको एक तो चार्ट पेपर चाहिए वाइट 1/4, मार्कर या स्केच पेन जो भी ब्लैक का होगा, स्केल, ब्रश और फेविक्रिल कलर. उसके लिए आपको चाहिए ऑरेंज, डार्क ब्लू, रेड, लाइट ब्लू, येलो. सो उससे पहले आपको आउटलाइन खींच के रखना होगा. आप अपने पास आउटलाइन खींच के रखो. अभी क्या करना है, आप ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बुलाइए और बच्चों के हाथ में डायरेक्टली आपको क्या करना है, उनके हाथ लेफ्ट हैंड में ही डायरेक्ट आप कलर लगा दीजिए और कलर थोड़ा गीला होना चाहिए, ज्यादा डार्क मत कीजिएगा कि ज्यादा पानी भी मत लगाइएगा, थोड़ा गीला होना चाहिए. और उनके हाथों में चारों तरफ लगा दीजिए और ये मत डरिएगा कि नहीं छूटेगा, ये छूट जाएगा. तो उनके हाथों में लगाइए, वो कलर के साथ एंजॉय करेंगे और कुछ नया चीज बनाने के लिए उनको मजा भी आएगा. तो चारों तरफ ऐसे कलर लगा दीजिए. ऑरेंज यहाँ पे लगाइए, ऊपर वाला में येलो लगाइए, उसके बाद उसका नीचे वाला में लाइट ब्लू लगाइए, उसके बाद रेड लगाइए, और एंड में जो बचा है उसमें डार्क ब्लू लगाइए. और डायरेक्टली बच्चों का हाथ जब पेपर में ये हम इंप्रेशन डालेंगे तो ध्यान से आप क्या करेंगे, इसको आराम से और ये थंब को थोड़ा घुमा के इस तरह चारों तरफ उनके उंगली को प्रेस कर दीजिएगा. क्लियर? चारों तरफ आराम से प्रेस करने के बाद उसको निकाल दीजिएगा. क्लियर? निकलने के बाद अब आपको क्या करना है, हमारे पास जो मार्कर था वो मार्कर से आउटलाइन खींचना है सूखने के बाद, आफ्टर ड्राई उसको सूखने देना है. ठीक है, उसको पांव सब बनाना है, चोंच बनाना है. सूखने के बाद ही अंदर आप लोग आईज बना सकते हो. उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद, ये तो सूखा नहीं है अभी, सूखने के बाद आपको क्या करना है, एंड में इस तरह आपको चारों तरफ ऐसा उसका फेदर बनाना है, उसका पंख बनाना है, उसका पांव, क्लॉच और नीचे ग्रीन कलर का स्केच पेन से ग्रासेस बनाना है. बनाने के बाद आपका नाम, क्लास, सेक्शन लिख के मुझे सेंड कीजिएगा. थैंक यू.